एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इट्स 8:50 इन द मॉर्निंग और मैं फजर की उठी हुई हूँ। मैं सोई थी, मतलब मेरी मुश्किल से नींद होती है 4 घंटे की, और ये रोज़ का है। तो ये जो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल है, ये इंडिया की GDP से ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं किसी को बोल रही थी 2 दिन पहले भी। तो मैं कल भी मुश्किल से 4 घंटे सोई थी, और आज भी मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। मैं 12-1 बजे सोई थी, आई गेस 1-1.5 बजे मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ। तो अब तो वैसे भी ऑफिस का काम करना है, सो लॉग इन मैंने कर दिया है एंड काम करना है। तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने और बताने के लिए, और दिन में क्या होगा वो मैं दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग। Six and a half hours later. एंड सिंस आई वॉज तो वर्किंग ऑल डे एंड भारत तूफान ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी इफ्तारी की, क्योंकि आज वो 2 नई डिशेस बना रही थी एंड अपने तरीके से। वो एक चिकन रैप्स बना रही थी, काठी रोल या कुछ एंड कटलेट्स। तो यहाँ पे वो रोल के लिए चिकन वॉश करके उसकी तैयारी कर रही थी, एंड उससे पहले उसे मैदे की वो रोल की रोटी बनानी थी, जो पतली सी रोटी होती है काठी रोल वाली हमारी। तो वो वहाँ पे ये तैयारी कर रही है अभी, एंड एज यू कैन सी कितना सॉफ्ट सा डो उसका उसने बना दिया है। एंड इसके बाद हमने छोटे छोटे वो गोलियाँ बना ली थी, जिससे अभी उसकी रोटी बनेगी। और साथ में जो आलू रखे हुए थे बॉयल करने के लिए, वो बॉयल हो गए। उसके बाद उसने वो मैश किए थे, बिकॉज कटलेट्स के लिए हमें मैश्ड आलू चाहिए। बिल्ली के पॉ है ना, PAW पॉ है ना, क्लॉ। बिल्ली के पंजे विदाउट नाखून। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान भी पढ़ लिया अपना, जो भी पारा पढ़ी थी, और इसके बाद यासीन शरीफ। यासीन शरीफ मेरे दिल को इतना सुकून पहुंचाती है ना। और ये देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन घूम रहा है बेड के पास। भाई मेरे को पहले डर भी लगा, पर बाद में हंसी आई, मैं रिकॉर्ड कर लिया। एंड बस हमारा हो गया लॉग आउट का टाइम। आज मैंने पहली बार इतनी जल्दी लॉग आउट किया है, और ये आया एक पार्सल, और मुझे खुद को नहीं पता कहाँ से आया है और कौन से ब्रांड का क्या है। तो लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। तो सबसे पहले एक स्क्रब निकला था, नेक्स्ट ये बॉडी वॉश, एक बैग है, पाउच बड़ा अच्छा है, और ये है अपना योगर्ट आई थिंक। और यहाँ पे अतूफा ने तैयारी की है, तो ये मेयोनीज, तंदूरी, ये वो, देखो मतलब बस क्या क्या बना रही है वो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है इतने में से। बाकी अब बस इफ्तार लगाया हमने, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था। अम्मी हमारे लिए हमें आजकल रो अफज़ानी बनाने दे रही हैं, तो हम जूस से गर्म चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 5 रोज़े पता भी नहीं चले, और अभी 25 रोज़े भी पता नहीं चलेंगे। तो बस अब दुआ कर लेती हूँ मैं। अजान हो गई ना, है क्या वो? कुछ तो है। क्या बनाए? नगेट जैसे। वो भी नगेट भी इतना बड़ा नगेट है, और तेल देख, तेल नहीं है अब इसमें। हाँ अब नहीं है, पहले था। अभी बज रहे हैं 7:30 के अराउंड, और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 काम करने हैं। तो यही टाइम मिलता है, और इसके बाद इशा का टाइम हो जाएगा, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली एंड अभी नीचे जा रही हूँ। और यार ये टेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे होंठ इतने ड्राई हो रहे हैं ना, क्योंकि पानी की इंटेक एकदम ज़ीरो है। कल मैंने अपना वो डिटॉक्सिफाइंग वाटर, वॉट एवर इट इज़, वो सब बना के पिया था, तो वो 1 लीटर पानी गया होगा पूरी बॉडी में पूरे दिन में, और अभी तक सिर्फ 1 ग्लास जूस पिया है। तो ये पानी की कमी हो रही है, इसलिए स्किन बहुत ड्राई हो रही है, लिप्स एकदम चैप्ड लिप्स और फटे हुए हो रहे हैं। तो ये लगाया लिप टिंट, मुझे लग रहा है इसकी जगह लिप बाम लगा लेना चाहिए, ज़्यादा काम आएगा। सो अपार्ट फ्रॉम इट आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, उसके बाद जाना है शपाना के। और मैं सोचा आंटी से बोलूँगी मेरी स्क्रबिंग कर दो, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, बट उसका कुछ अफेक्ट नहीं होता है, उनके हाथ थोड़े अच्छे से चलते हैं।
तो मैं शबाना के जाऊंगी थोड़ी देर में। सात आठ ले चुकी हूँ, सात आठ लेती हूँ। मैं तो भी लाऊं साइज़ तो जो ना अलग उठाई बिल्कुल इतना चॉकलेट खाया पता कैसे खाया करके चॉकलेट खाया खाया बहुत सारा। अच्छा ये तो उसका वो है ईद पे जो पहन के आ रही थी दोस्त को, सब उसको फिर वही बोलेंगे ये भी अच्छा है, तो उस दिन देख लेते ना। अच्छा कितना अच्छा पर्स है यार एकदम। डरो थोड़ा मुझसे चोरी हो सकती है तुम्हारी अलमारी की। कोई नहीं सफाई करके ले जाइए फिर भर दियो। क्या ऐसी होता है सफाई करके ले जाना। देख लिया देखो बाजी देखो रूमी अभी से ये दुपट्टा है इसका नहीं कुर्ती है ये कुर्ती है ये है दुपट्टा भाई मेरे देखो भाई तुम्हारा तो है ही अच्छा भाई तो अरे वाह सुंदर है कहाँ से लिए हैं वाले क्या बताओ बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी सारे सूट देखने के बाद आंटी ने मेरा स्क्रबिंग कर दी थी। मैं बोल ही रही थी कि मेरी स्किन गंदी हो रही है भाई, मैं खुद अपने हाथ से जो स्क्रबिंग करती हूँ ना उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी डेड स्किन और इतने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो रहे थे। और यहाँ पीछे शबाना ने कोई स्टोरी सुनाई थी मुझे, ये इनका नया वॉकर अरे स्पीड वाला वॉकर है आराम से घूमिए अभी तो मेरे वाला वॉकर दे मैं तो डिफरेंस बता दियो तो घर वापस आने के बाद मुझे याद आया कि कल मैंने जो डिटॉक्सिफाइंग वाटर बनाया था वो चेंज करना है और मैं भूल गई, तो अभी मैं लूँगी कुकुम्बर लेमन जिंजर और पुदीना और ये मैंने छोटे छोटे काट के सब पानी में डाल दिया। मुझे अनार दिख गया मैंने अनार डाल दिया, कल मैंने तरबूज डाल दिया था उसमें जो भी फ्रूट दिख जाए वो डाल दो। और यहाँ मैं डाल रही हूँ चिया सीड्स एक स्पून ठीक से अच्छे से भर के डाल दी थी एंड उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर बाद ही मेरे चिया सीड्स बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। अब इसको फ्रिज में रख के ठंडा करना है। और यहाँ पर चल रही है हमारे दो नए बिल्लों की रेसलिंग, कुछ पता नहीं कैसे ही खेलते हैं, मतलब पूरा कूद कूद के बढ़िया खेलते हैं। ये देखो क्या मस्त रेसलिंग कर रहे हैं, वो पीछे से कूदता हुआ आएगा और वो ऐसे ही तरीके से पूरा दिन खेलते रहते हैं ये दोनों, एक को एक नहीं दिखे तो शोर भी बहुत मचाते हैं। सो हमने अब ईशा की नमाज पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया, अब हम फारिग हो गए हैं। अब हमें थोड़ी देर में सोना है क्योंकि सोने को मिली दो तीन घंटे रहे हैं, पहले भी कम मिलते थे लेकिन अभी थोड़ा टायरिंग हो गया ज़्यादा। तो आज हमें बतानी है दो दुआ, बट उससे पहले मैं तो इंस्टाग्राम पेजेस बता देती हूँ जहाँ से आप अपने लिए सूट ले सकते हो ईद के लिए। एक तो है अंश क्लोथिंग, वहाँ से आप पाकिस्तानी सूट और बहुत टाइप के अलग सूट, अनस्टिच सूट और स्टिच भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। एंड यू गाइज कैन गो एंड चेक आउट, ये साइड में आपको इंस्टाग्राम पेज दिख रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा है चिकनकारी के लिए, बहुत सारे लोग लखनवी कुर्ते पहनते हैं। सो ये है पेज पोशाक चिकनकारी एंड ये है रूमी का, तो इनका रूमी से भी अकाउंट है पोशाक चिकनकारी। तो ये ओखला में है वैसे शॉप बटला हाउस में, तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कहाँ पे हो इफ़ यू आर विजिटिंग बटला हाउस, और आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो ये दोनों पेजेस चेकअप कर लेना अपनी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारी तो भाई अगली ईद तक की हो गई है। मेरी नहीं सूट की हुई है बस, मतलब मेरे पास इतने सूट है मैं अगली ईद तक चला लूँगी, बट आई गेस मुझे हील्स और क्लचेस वगैरह और सेट्स ज्वेलरी लेनी होगी एंड मेरी आंखें भी नहीं खुल रही इसलिए मैं देख नहीं पा रही ठीक से, दर्द हो रही है यार। तो अभी हम बताते हैं डे फोर की दुआ जो कि है आयते करीमा बोलते हैं उसको बोलते हैं, और वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, और वो हमारे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब वो मछली के पेट में थे, तो तौबा की थी उन्होंने।
तो उसका वाक्या ये था कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को जहाँ दीन फैलाने के लिए बोला था वहाँ उनको बोला था रुकना है, उन लोगों को समझाना है, पर उनको गुस्सा आ गया था कि ये लोग समझ नहीं रहे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह जाएंगे, जबकि उन्हें मना किया था अल्लाह पाक ने, क्योंकि उनकी कौम मान नहीं रही थी तो वो अपनी कौम को छोड़ के जाते थे, जबकि अल्लाह पाक ने उन्हें वहाँ रुकने के लिए बोला था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, पर वो वहाँ पे रुक जाए में सवार होकर जा रहे थे, वो कश्ती भारी होती जा रही थी, तो लोगों ने बोला कि पर्ची निकालते हैं 3 बार और इस पे जिसका नाम आएगा उसे कश्ती से पानी में उतरना पड़ेगा, और 3 बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो उन्हें पानी में उतरना पड़ा, और उनको वेल मछली ने, वेल नहीं बहुत बड़ी, मतलब बड़ी मछली, जो भी मछली थी वो बहुत बड़ी, उसने निकल लिया था। हाँ, तो फिर अंधेरे में जाके मछली के पेट में जाके उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, का मतलब है कि देर इज नो डाइटी अपार्ट फ्रॉम यू, मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात पाक है, और मैं बेशक मैं गुनहगार हूँ। तो इसके बाद उनको अल्लाह पाक ने माफ कर दिया था। फिफ्थ दुआ जो है वो है अल्लाहुम्मा अस्अलुका अल जन्ना, तो ये जन्नत में जाने के लिए एक दुआ है, छोटी सी दुआ है एक लाइन की, तो इसे भी याद कर लेना। उसका उसे दिन में जो भी, मतलब जब भी उसे दुआ को पढ़ते हो तो पढ़ लिया पढ़ो, या पूरे दिन भी पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है, तो है, पर जब कयामत के रोज या जब भी जब हम अल्लाह से मुलाकात होगी तो जो जन्नत है वो हमें मांगेगी अल्लाह पाक से कि ये हमें पूरे दिन पढ़ता था, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अल्लाह प्लीज ग्रांट मी जन्नत। तो पढ़ें ये दुआ और हमें भी नई नई दुआ बताएं जो हमें नहीं आती है। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है, मतलब शुक्र है कि अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ठीक है अगर मैं ही बता रही हूँ और अगर दो लोग भी उसे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सवाब तो मिल रहा है। सो आप लोग भी हमें दुआ में याद रखना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह।